जेल प्रशासन का तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। और हम लोग जैसे मकई का काम, जैसे FCI का काम कर लेते हैं, कर लेंगे, अनाज है, ज़रूरी का चीज़ है, उसको खाने के लिए ज़रूरी है, उसको कर लेंगे। मकई का 50 गांव से मकई आना है, 50 गांव से मकई आता है, कौन क्या है नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है, किसके शरीर में क्या है नहीं है, वो गाड़ी लेके आएगा, हमारे मजदूर से के साथ में टर्च होगा, फिर किसको क्या हो जाएगा वो तो भगवान के हाथ में है। और सबसे बड़ी बात है, रेलवे भी, रेलवे प्रशासन हम लोग को परेशान करके रखा हुआ है कि नहीं आपको काम करना होगा, ये MT दे दिए, नहीं तो हम बाहर से मजदूर मंगा के ले आएंगे। कितना मजदूर काम करते हैं? हमारे अंदर में 300 मजदूर काम करते हैं यहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं सर? कोई व्यवस्था नहीं है रेलवे प्रशासन की यहाँ पे। मेरा नाम फुच्चू पासवान। और यहाँ रेलवे पॉइंट है, पूरे अनाज पहुँचता है, कहाँ कहाँ से माल आता है, क्या? देखिए, कटिहार रेड जोन के कैटेगरी में लगभग आ चुका है, 10 कोरोना पेशेंट यहाँ पर जो है डिटेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडिएशन में ही लोहिया नगर है, वहाँ भी 1 पेशेंट आ चुका है। और एक तरफ जिला प्रशासन जो है बफर जोन साबित कर दिया है कि बफर जोन है ये, और दूसरी तरफ यहाँ रेलवे रेक पॉइंट पर रेल प्रशासन इसकी अकर्मण्यता या इसको समझ लीजिए कि इसकी अदूरदर्शिता का कभी भी खामियाजा यहाँ के मज़दूरों को भुगतना पड़ सकता है। कटिहार के लगभग 4 प्रखंडों में कोरोना का जो है पेशेंट का डिटेक्शन हो गया है, वहाँ पर डिटेक्ट हो गया है, वहाँ पर पॉजिटिव पाया गया है। और गांव में मकई जो है, गांव से किसानों का मकई व्यापारी ला रहे हैं लोडिंग करने के लिए, तो किस परिस्थिति में आ रहा है, कौन लोग हैं, बीमार हैं नहीं हैं, और वहाँ से जो मकई आ रहा है तो यहाँ पर कभी भी मजदूर उसके चपेट में आ सकते हैं, पूरा शहर, पूरा कटिहार इसका चपेट में आ सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा गंभीर मामला यह है कि रेलवे का ये जो रेक पॉइंट है, यहाँ सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है इस जगह का, ना रेक का किया जा रहा है, ना ऑफिस का, ना मजदूर जहाँ बैठते हैं वहाँ का किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो 2.5 से 3 फीट मात्र बोरी का है लंबाई, और उसको 3-3, 4-4 लेबर उठा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन हो नहीं रहा है। तो ये स्पष्ट तौर पर क्या होना चाहिए रेलवे पर, क्या रेल प्रशासन इस चीज़ को फिलहाल, चूंकि ये रेड जोन के फिलहाल कम से कम 15 दिन, जब तक जिला प्रशासन कटिहार को कंट्रोल नहीं कर देता है तब तक जो मकई जैसा जो खरीद हो रहा है इसको नहीं हो रहा। दूसरी तरफ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की बर्बादी भी हो रहा है इससे। 17 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार कह रही है और 9 रुपया 10 रुपये पर व्यापारी खरीद रहे हैं, तो किसान को भी फायदा नहीं हो रहा, क्यों नहीं गाँव में पैक्स और बिस्कोमान के द्वारा खरीदा जा रहा है, ये सरकार अपने तंत्र के द्वारा क्यों नहीं खरीद रही है? और एक तरफ मजदूरों की जान जाने पर लगा हुआ, कभी भी एक भी मजदूर अगर कोरोना के चपेट में आए तो पूरा कटिहार तबाह हो जाएगा, मजदूर तबाह हो जाएगा, गरीब तबके में ये बीमारी फैल जाएगी। समरेंद्र कुणाल, राष्ट्रीय जनता दल।